ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है, जेवर हिंसा मामले से जुड़ी हुई खबर आपको बता रहे हैं। एसडीएम गुंजा सिंह की गाड़ी पर पथराव, पथरियों ने पथराव किया, पथराव करने का वीडियो सामने आया है। ये कल की घटना थी, जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर हुआ था टकराव, किसान और प्रशासन के बीच हुआ था टकराव। किसानों की जमीन अधिग्रहण करने पहुंचे थे अधिकारी, नोएडा से खबर आपको बता रहे, ग्रेटर नोएडा से। इस वक्त उपद्रवियों ने पथराव किया था जिसमें एसडीएम साहिबा घायल हुई थी, चोटें उनको आई थी। पथराव करने का वीडियो वायरल हुआ है, सामने आया है। जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण करने को लेकर टकराव किसानों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच हुआ जिसमें कई लोगों को चोट आई। अकरम खान जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी, इसी पर उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। अकरम, कल की घटना जिसमें एसडीएम भी घायल हो गई, कई अधिकारियों को भी चोटें आई, आज क्या कुछ अपडेट है? एक वीडियो भी सामने आ रहा है। बिल्कुल, देखिए ये वीडियो जेवर का है जहां ये पूरी घटना अंजाम दी गई थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सैकड़ों से भी ज्यादा किसान है जो उग्र हुए पड़े थे वहां पर, और जो गाड़ी वहां से भागती हुई तस्वीरों में आप देखते हैं वो जेवर एसडीएम गुंजा सिंह की गाड़ी है जिस पर लोग लगातार पथराव कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ R9 TV के पास ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो कि हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, और यही वो जगह है जहां पर जो पुलिसकर्मी थे वो मौके पर एसडीएम को और तमाम अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर छोड़कर भाग गए थे। तस्वीरों में अगर देखें तो ये बात आसानी से समझी जा सकती है कि अगर कुछ लोग समझदार वहां पहुंचते नहीं तो शायद कोई बड़ी घटना हो सकती थी, किसी बड़े अधिकारी की जान भी जा सकती थी। और अब तक की सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि जिस समय ये घटना हुई उस समय जेवर एसडीएम गुंजा सिंह के अलावा जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी थे वो मौके पर घिर गए थे उपद्रवियों के सामने। लगातार तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पथराव किया जा रहा था, और गनीमत ये रही कि कुछ समझदार लोगों की वजह से जेवर एसडीएम की गाड़ी तुरंत उन्हें डालकर जैसे ही वो घायल हुई उसको ले जाती हुई तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने भाग के अपनी जान बचाई। हालांकि उन्हें चोट जरूर आई है, गंभीर चोटें हैं और वो इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है। इसके अलावा 4 पुलिसकर्मी भी वहां मौजूद थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही ये उपद्रव शुरू हुआ तो जो ACP के गनर थे और जो गाड़ी थी वो भी वहां से भाग गई थी, जिसकी वजह से जो तमाम उपद्रवी थे वो पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों पर हावी हुए, जिसके बाद कई पुलिसकर्मियों को चोट भी आई थी। तो ये तस्वीरें सिर्फ एक्सक्लूसिव R9 TV के पास है जो लगातार जिसमें दिख रहा है जेवर SDM अपनी जान बचाती हुई भाग रही है, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक इसे कहा जा सकता है, और जो जिम्मेदार पुलिसकर्मी जिस वक्त किसानों के सामने ये प्रशासनिक अधिकारी थे, पुलिस की टीम थी, क्या ये लोग बिना पहले तैयारी के वहां पहुंचे थे? इन्हें क्या ऐसा लग रहा था कि वाकई में जो काम करने जा रहे हैं वो सीधे तरीके से हो जाएगा, या पहले से कोई शक और गुंजाइश ऐसी थी कि यहां पर ऐसा बवाल भी हो सकता है, तैयारी नहीं थी क्या? देखिए, जिस तरह से जो चिंगारी भड़की है, जो पथराव हुआ है, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब से पहले भी कुछ इसी तरह से लगभग 4-5 महीने पहले लगातार प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं अब तक जमीन के अधिग्रहण को लेकर। लेकिन पहले पुलिस ने और प्रशासन ने इन्हीं कुछ प्रदर्शनकारियों को जबरन उठाकर गाड़ी में डाल लिया था और उन्हें जेल भेज दिया गया था। 13 दिन लगभग जेल में रहे थे और 41 के करीब किसान थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी बात से किसान काफी खफा थे। लगातार किसान कह रहे थे कि उनकी मांगे नहीं मानी जा रही है, और पुलिस प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ और सिर्फ उन्हें लॉलीपॉप दे रहे थे। जो उनकी मांगे थी वो शासन तक गंभीर रूप से नहीं पहुंच रही थी, ना ही उनका समाधान हो रहा था। इस वजह से यहाँ पर जो बैठक चल रही थी प्रशासनिक अधिकारियों के, वहां पर ये किसान जो प्रदर्शन कर रहे थे वो पहुंच गए। मौके पर कुछ हॉट टॉक हुई जिसके बाद स्थिति जो थी वो विस्फोटक हो गई, और इसी का ही नतीजा था कि मौके से पुलिसकर्मी वहां से भाग गए, और जिसकी वजह से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको उग्र जो हो रहे थे किसान उनके आक्रोश का सामना करना पड़ा, और यही वो घटना है जिसकी वजह से तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो घायल हुए। हालांकि जब DM घटना के बाद मौके पहुंचते हैं उसके 20 मिनट बाद ही पुलिस दोबारा से घटना स्थल पर पहुंचने की हिम्मत जुटा पाती है, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और पुलिस के तालमेल का भी खामी थी जिसकी वजह से घटना को अंजाम दिया। लेकिन गनीमत यह है कि कुछ समझदार लोगों ने बीच विचाप करा जिसके बाद जो अधिकारी उन्हें अकेला छोड़कर तमाम पुलिस वाले भाग गए थे या चले गए थे उस सिचुएशन को देखकर।
बिल्कुल देखिए, जिस तरह से जो उपद्रवियों ने घटना पर पथराव करना शुरू किया तो होना ये चाहिए था कि वो और पुलिस वहां के पहुंचती, लेकिन जो पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे वो खुद ही बैकफुट पे आ गए और मौके से भागने में ही उन्होंने अपनी भलाई समझी। इसके बावजूद जो पुलिस फोर्स था वो मौके से हट गया, लेकिन जो पुलिसकर्मी दो चार बचे थे उन्हें आक्रोश का सामना करना पड़ा। इसी के अलावा जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी वहां मौजूद थे, चाहे वो जेवर एयरपोर्ट के अधिकारी हों, चाहे वो SDM हो, चाहे और भी तहसीलदार हों, उन सबको लगातार पथराव का सामना करना पड़ा और कहीं ना कहीं जो पुलिस उन्हें सुरक्षा तेजी वो नहीं दे पाई, जिसकी वजह से वो घायल हुए और चोटिल भी हुए। लेकिन गनीमत ये रही कि समझदार लोगों की वजह से घटना टल गई, वरना देख सकते हैं कि बहुत बड़ा बवाल वहां हो सकता था। हालांकि पुलिस का तालमेल इससे जरूर कहा जाएगा, क्योंकि कमिश्नरी प्रणाली भी लागू हो चुकी है, ऐसे में जिम्मेदारी उनकी है। तमाम पुलिस फोर्स गौतम बुद्ध नगर में आ चुका है पर्याप्त में। अब ये भी नहीं, ये टकराव पुराना है उत्तर प्रदेश में अक्रम, ये टकराव पुराना है। एक IAS की एक लॉबी हुआ करती थी जो कमिश्नरी सिस्टम का विरोध करती थी। अब कमिश्नरी सिस्टम लागू हो गया है तो पुलिस की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जल्दी से ये बताइएगा कि कार्रवाई के नाम पर क्या कुछ हुआ है इस मामले में अभी तक। कार्रवाई की बात करें तो जो जेवर तहसीलदार है उनकी तहरीर पर 34 लोगों को नामजद किया गया और तकरीबन 30 के करीब लोग हैं जिनको अज्ञात में दर्ज किया गया। हालांकि FIR को लेकर भी लगातार प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों में टालम टोल हो रही थी, नूरा कुश्ती पूरी हो रही थी कि कौन FIR दर्ज कराएगा। अंत में जो जिला प्रशासन है उसकी तरफ से FIR दर्ज कराई गई है। हालांकि अब पुलिस कार्रवाई की जरूर बात कर रही है, जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करने की बात कर रही है और जल्दी गिरफ्तारी का दावा कर रही है। जी नजर बनाए रखिएगा अक्रम, फिर आएंगे आपके पास अपडेट के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।